करने वाली हैं। और प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश का ये दूसरा दौरा है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रियंका आगाज करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर सांसद नकुल नाथ ने कहा कि यह ऐतिहासिक होगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर उनका कहना था कि कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा और इसका फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। बहुत बड़ी सभा रहेगी और एक ऐतिहासिक सभा रहेगी। ये प्रियंका जी का दूसरा दौरा है एक महीने के अंदर और लगातार चुनाव तक ये मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। देखिए, राहुल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं और मेरा मानना ये है कि इनके आने से हमारे कार्यकर्ता में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश पैदा होगा और इसका लाभ हमें डायरेक्ट चुनाव में मिलेगा। इधर पीसी शर्मा ने प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर बयान दिया और उनका कहना था कि रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी का जन्मदिन एक दिन है और दोनों का डीएनए प्रियंका गांधी में है। समझता हूं कि उनको अच्छे से समझती हैं और जब ग्वालियर आ रही हैं तो सबसे पहले वो जा रही हैं रानी लक्ष्मीबाई के स्मारक पर प्रणाम करने के लिए और ये अपने आप में एक संदेश है कि जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से और उस समय के राजा महाराजा सिंधिया सबसे लड़ी थी और शहीद हुई और ये ध्यान रखें कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिवस 19 नवंबर होता है और श्रीमती इंदिरा गांधी का भी 19 नवंबर होता है और ये दोनों के डीएनए प्रियंका गांधी जी में है। और इधर पीसी शर्मा ने बयान दिया नहीं कि इस पर सियासत गरबाई नहीं। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि चाटुकारिता की ये तो पराकाष्ठा हो गई। प्रियंका गांधी के डीएनए को वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चाटुकारिता की पराकाष्ठा ही मैं कहूंगा इसको, जब प्रियंका गांधी जी को वीरांगना